थैंक यू. वेल ये कलर ऐसा कलर है, आई थिंक आई थॉट मैं शादी के बाद तो काफ़ी टाइम तक नहीं पहन पाऊँगी. एंड वाइट इज़ माई फेवरेट कलर. सो आई थॉट टू स्टार्ट विद दिस लुक एंड इट्स लिटिल हैवी. सो इफ आई एम टायर्ड आई एम गोना चेंज वन मोर लुक इन टू अनदर वन होपफुली, बिकॉज हैवी कपड़े पहनना इज़ नॉट ईजी. बट आई वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड. I can't believe that today is my Sangeet, my the day, second day of my wedding, and tomorrow will be the final day, and I'm waiting for Prince. Where is he? I don't know. So I'm just gonna say, Prince, come. Your Prince is waiting. He is coming. As always, he's late. See, ladkiyan aajkal time nahi leti hain taiyar hone mein. He's late. He's somewhere. It's a surprise. Tomorrow is the day where I'm really happy. It's a surprise. Kal dekhega kya hone wala hai. There is something happening for sure. Finally, the day came for your wedding. And you feel like a special feeling. Oh God. Honestly speaking, kal tak koi feeling nahi tha. Lekin ab main nervous ho rahi hu. Bahut nervous ho rahi hu. It's a different feeling, but it's a beautiful feeling. I'm really happy. Okay, yahan par jo apne kal baat ki thi, jo bhi yahan par aane wale guests, kuch na kuch special karne wale, to aap Prince ke liye kuch special karne wale hain? Special, yes, there is something special for him today and tomorrow, and I'm really 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 excited to give him that surprise. I can't tell you right now, but I am there's so much to say. But just wait and watch, there's a lot. ओके प्रिंस ने कहा कि जब से आप आए उनके जिंदगी बदल गई है, स्पेशली उनकी स्टाइलिंग. तो कल की भी आपने जो मॉडल जो भी है कपड़े आपने चुने, कल की बहुत यस ही इज माय गाय, आई हैव टू डिसाइड, वी हैव टू मैच. But today I have no idea. I think he's gonna give me surprise because we have not decided for today. Because we were just so stuck up with shaadi ke kaam mein. But let's see. I'm waiting to see him. I'm waiting to see my prince, real life prince. Yes, you can see my mehndi. वेल अभी तक तो आई वॉज परफॉर्मिंग ऑन अ ढोल. आई थिंक जब ढोल बजता है तो आई गेट सम फीलिंग एज इफ आई एम इन सम डिफरेंट फेस्टिवल ऑल टुगेदर, समथिंग हैपन्स इन मी. बट आई थिंक सेलिब्रेशन स्टार्टेड नाउ, आई एम नॉट गोना स्टॉप डांसिंग टिल माई विदाई. या एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच. दिस इज कमिंग इन सम टाइम. क्या कहना चाहेंगे? अरे यहाँ खड़े ले ना, अभी यहाँ खड़ो ना, साइड में खड़ो ना, यहाँ साइड में खड़ो ना, यहाँ खड़ो ना, यहाँ पे हाँ ऐसे खड़े हो जाना. पूरा सर आ रहा है, पूरा सर आ रहा है. पीछे 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 पीछे
थैंक यू राइट राइट अरे फैमिली वाले ठीक है ना सिर्फ वन है ऐसा मैंने कुछ सोच के स्टाइल नहीं किया बट ऑफकोर्स आई वुड वॉन्ट कि मैं थोड़ा फ्रीली सबसे बातचीत भी कर सकूँ एंड थोड़ा मुझे इन्जॉय भी करना है डेफिनेटली सो आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल एंड सटल येट इट्स लुकिंग वेरी नाइस फ्लोई क्लासी हाँ आप बोलोगे करके भी दिखाओ नथिंग आई हैव नॉट डन एनी थिंग और मेरा कुछ ऐसा स्पेशली बट मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ ऐसा लोग कहते हैं तो जाके अभी करूँगी थैंक यू सॉरी क्या टिप्स आई डोंट थिंक सो आई हैव टू टेल हर एनी थिंग बिकॉज प्रिंस इज प्रिंस जिस तरह से उसे रखता है जिस तरह से उसे प्यार करता है एकदम गुड़िया की तरह उसे रखता है और युविका ऑल्सो जब उसे देखती है तो सरेंडर कर देती है अपने आप को इतना दैट इज द रीजन आई सेड देम मेड फॉर ईच अदर कपल एक तो सबसे अच्छा हो रहा है क्योंकि जोड़ी एक रियलिटी शो से लोगों को लगता है कि हर दिस इज रियलिटी से शुरू हुई की कहानी आज रिसेंटली मैंने जो युविका को जानने का बहुत मौका ब्यूटीफुल पर्सन खूबसूरत इंसान भी हैं और उन्हीं के थ्रू जाना है अभी शूट कर रहे थे शी यूज़ टेल मी कि यार मेरी शादी भी आई नो दैट शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट टू विश देम ऑल द बेस्ट दे आर गोना टू लिव द हैप्पीली सो यस आई एम वेरी एक्साइटेड सी आई गेट सो दिस इज लाइक ऑल thing this is from a Delhi so yes and so where I can wear it so why yeah, I am not performing a special love dance Punjabi move nahi pata hu so I am just isi mood se aaya hu ki ghus jaunga aur sirf for a change yes and the season hota hai aisa lagta hai ki shayad now it's just picking up and it's doing bar ghar mein hai Srish KV bahut acche dost hai but Anup Jalota कोई आएगा बिकॉज इज ऑन नाउ इन इज एन इंस्पिरेशन बट जो होगा बिल्कुल नहीं है उन्होंने बहुत हिसाब से बातें करना हो सबके साथ रहना हो सो आई थिंक वेल
सो आई एम अनूप जी एंड आई एम बिट जेलस की तीन शादियाँ और अब जसलीन जी 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 पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा हर एक का अपना एक डिफरेंट मेरा ओपिनियन इसमें ये बट हर जगह पे ये सब चीज़ आई थिंक गुजर रहे हैं मतलब क्योंकि बहुत ही बुरा आप फील कर तुरंत उस चीज़ पे आया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए एक ब्लास्ट कार्ड डेफिनेटली वो लेना चाहिए सज़ा मिलनी ही चाहिए आई वुड से कि के लिए भी एक ये चीज़ होनी चाहिए ना जाए या चीज़ दी जाए मीडिया में नाम कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए दोनों तरफ से साइड हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियाँ जेन्युइनली जो सही मौका नहीं मिलता सामने मौका नहीं मिलता सफाई देने का सो वो होना सपोर्ट एंड जिन्होंने भी गलत है गेट पनिश्ड वेरी मच थैंक यू Very very excited. There? Because yellow shoot hua. Yes. Well, it's summer in so and after a very long time. So. Yes. No, it's a call. Thanks to my stylist, and I really love the. Actually, ये जो नया I was busy, I haven't watched. Here is very similar to ours. All of them, very good luck. Actually, I'm here to do. You guys are gonna ask. Yes. I have inter and I'm tomorrow, but all it's a great time in India. A lot of women are because been there for so many years. Finally, it's time in India, and it's not only about ball. Being a woman, it's kind of industry, and about it. Yeah, so much. Thank you so much.
Yuvika and Prince. I know yours and Venus. और जोड़ियाँ के लिए और पब्लिसिटी की है और बाहर आके अलग शादी करते हैं. आई थिंक विका थिंक आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट जोड़ टू बिग बॉस एंड दैट शी डिड मीट प्रिंस और मैं दोनों की शादी शुदा जिस दिन मैं वेरी हैप्पी मैच इट एंड इट्स एंड बैंड्रा ऐसे ही सब मिक्स मैच कर मैं हर साल मेरा होने वाला कंटेस्टेंट में होती हूँ तो मैं गुस्से में बिग बॉस देख परफॉर्मेंस प्रिपेयर्ड एनीथिंग बट ऊपर जाके अपने आप बस डांस कर ही रहेंगे रात तक पार्टी होगी. आउटर दैट दे आर कमिंग आउट इन वट एवर हैरेसमेंट दे हैव लाइक तनुश्री दत्ता मृदुल हैज कम एंड विनीता जैन आई एम आई डोंट केयर people know about it. तो लड़कियाँ जो उस वक्त डरते थे आज हिम्मत करके कि लोग डरे ऐसी हरकतें और ना मैच गेन आप हमारे ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है मेरी फैमिली के लिए और सब यहाँ पर भी और रिसेप्शन वहाँ पर आए और ऐसी ही प्यार में आपकी ब्लेसिंग चाहिए हमारी नई देख हो रही है और थैंक यू वंस अगेन जी. ये बहुत हंगामे होने वाले हैं डांस यू नो भरे हुए हैं अभी डांस हमें एक्चुअली डांस बहुत सारी परफॉर्मेंस हैं जो कर वाली हैं सो वो थोड़े से मैंने अभी बिल्कुल नहीं देखा के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ अभी मेरी फैमिली पहुँच चुकी है आधी सारे जब लोग निकलते हैं तो लेट हो जाते हैं. आई नो कि वो बिल्कुल एक्साइटेड कि मैं जाऊँ उससे मिलूँ. ये मेरे दोस्त रोहित आउटफिट बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है इंडियन पहना है सब कुछ मैंने कभी पहना नहीं है इससे पहले कि आज में जाकर थोड़ा जी अब हम एक्चुअली शादी कर रही है और ये लोगों का जो मिथ था कि वो दूर हो जाएंगे और इसके बाद में और जिनकी भी शादी किधर हो सब थैंक यू अरे आओ
how excited should anybody be for a friend like that? She's been an old friend. I've known her for a long time, and I'm here just to wish her all the very best. Yeah. No preparation. I've come to eat good food and watch people dance. Go ahead. Is there any special gift or sign which you are going to give them? No. She has everything she needs. She's got a good husband. What more she wants? Really? Yeah. A shirt and pant? I don't know what to say. It's just a very simple look. It's a Zara shirt and trousers. It's very basic. No comments. It's the wrong occasion. Yeah, it's the wrong occasion. Let's keep it happy and positive. यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे बचपन के यार की शादी है और इसमें तो आना बनता ही है. बस अभी हम लोग सब लोग शूट से बस फ्री हो के अभी यहीं आए सूदे के सीन थोड़े से लेट हो गए लेकिन आफ्टर ऑल इट्स प्रीविका की शादी. यार मैं तो बहुत मस्ती करने वाला हूँ, बहुत धमाल करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. यार प्रिंस वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड इज अ ब्रदर. तो बड़े दिनों से हमें शादी का इंतज़ार था और हम लोग आ गए धमाल में. सेंटर में आ जाए. हाँ सेंटर में आ जाए, मच बेटर. We were quite excited because this was the most popular couple in the MTV gang, so we were very excited. हम लोग इस शादी की काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं. ऑफकोर्स आई नो प्रिंस फॉर जब से वो MTV उसे ज्वाइन किया, लेकिन थैंकफुली वी मेट युविका, स्पेंड टाइम विद हर एंड वी वेरी हैप्पी दैट प्रिंस इज गॉट सच ए नाइस गर्ल एंड वी आर ऑल लकी दैट आर भाभी इज युविका एंड वेरी एक्साइटेड एंड सो क्यूट टुगेदर. सो वी रियली एक्साइटेड एंड नाउ we're going to party with you, dance for Sangeet. I'm going to go improv. Naturally niklega, naturally. Because ye hamare dil ke bahut kareeb hai aur inke sath prince ke sath main kafi time spend karta hu ek saal mein, to hum logo ne kafi kuch plan kiya hai aur sab surprise hoga. Hopefully shop mein hona chahiye, but surprise hoga for you bigger. जब युविका और प्रिंस को नहीं पता था उन दोनों के बारे में, तब मुझे पता चल चुका था. सो एंड यू नो व्हेन प्रिंस वाज टॉकिंग अबाउट युविका, जब उसको खुद
बात कर रहा था उसके बारे में, तभी हम लोगों को, मेरी वाइफ को, प्रियंका और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये लड़की और प्रिंस जिस हिसाब से उसके बारे में बात कर रहा है, दे विल एंड अप टुगेदर, और सिर्फ ये कुछ टाइम का नहीं है, दे विल मैरी ईच अदर, उस हिसाब से बात कर रहा था। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी जो विजन थी इट्स ट्रू। इसका लुक हमारा तो नॉर्मल है, इसका लुक देखो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर समथिंग लाइक दिस एंड आई ऑलवेज वांट टू वेयर समथिंग लाइक दिस एंड ड्रेसिंग अप इज द फर्स्ट थिंग वेयर एवर आई गो, सो आई थिंक आई हैव मेड इट नाइस नाउ। दिस ईयर द सीजन इज गोइंग वेल, थोड़े this year the season is going well, thode kam lafde, that is better. So you were there, Surbhi Rana is in Big Boss. Yes. I am not watching the show, but best of luck to her. She somehow survived on roadies. Uski jo personality thi uski wajah se bahut problems hui, but at the end of the day Neha ke gang mein thi, Neha's gang won. So I don't know whether it worked or not, but I just wish her best of luck. Yeah. Aur mujhe logo ne bola ki kafi विस्फोटक उसकी एंट्री थी वापस, तो वैसे लग टू दैट्स ऑल वी कैन डू, वी कैन विश हर बेस्ट। नहीं, रोडीज में बेसिकली जब तक आप परफॉर्म करोगे और अगर आपके पास इम्यूनिटी रहेगी तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, एंड उसके ऊपर से यू हैव अ गैंग लीडर जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। पर हाँ, उनके गैंग के अंदर अगर अनबन हो रही थी बिकॉज ऑफ दैट, दैट नेहा वुड बी एबल टू टेल यू, बट नॉट रोडीज में ऐसा था, लोग डर नहीं रहते। वुमेन हु आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर सेइंग कि अब क्यों, व्हाई नाउ, आई थिंक वट एवर टाइम अ वुमन कैन कम अप एंड टॉक वी शुड लिसन टू हर, वी शुड सपोर्ट हर। But before you, what's happening right now is that a lot of guys are become very defensive. Instead, let a talk happen, let people discuss what's going on so that the right thing comes out, right? Sirf ye nahi ki aap bas low over. So it's a good time, we should support. Agar aapke friend circle mein aap kisi ko jante ho aur aisa hua hai, if you can encourage them and just support them, because you know whenever it's happened, 8 साल, 10 साल, जितने साल पहले भी, it's always traumatic. ऐसा नहीं होता है कि अगर fresh हो तो traumatic होता है. Whenever it happens, it's traumatic. So try to understand what that person's gone through. Try to listen to that person, and don't be too hasty about tweeting. Like everybody's like trying to tweet first, but पहले उस लड़की की कोई बात तो सुन लो, because that's what they want to do. They want to express themselves. They want people to listen. Instead of saying कि मैं कर दूँ जल्दी से, मैं भी बात कर दूँ उसके बाद. Just that, and hopefully these kind of things will not happen with women after men understand that they can't do this anymore. That's all. All right, let's go. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भैया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भैया और भाभी की शादी है कल और आज संगीत है, सो यू नो इट्स गोना बी ग्रेट फन, एंड ऐसा बहुत कम मिलता है बॉम्बे में हमें सबको एक साथ आके सेलिब्रेट करने का, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टाइम्स आई एम जस्ट ओवर हियर टू सेलिब्रेट, एंड थोड़ा कम टाइम मिलता है कि हम स्ट्रेस से थोड़ा दूर जाएँ, यू नो दिस इज़ लाइक अ फैमिली इंडस्ट्री, बहुत एक छोटी है और हम मिलते हैं बहुत कभी कभी, स्पेशली ऐसे ओकेजन पर, सो आई एम रियली एक्साइटेड यार। For look of the day, it's like since I love formals, but when it comes to Indian culture and in Indian weddings, desi se badhiya kuch nahi. So you know, I always carry desi. So that's how it is. This is my thing. I'm trying to go for little traditional and Indian, thoda sa modernized bhi hai. So that's my look of the day. That's it. मैं अपना हाथ तुड़वा के बैठा हूँ और अपनी टांग भी आजकल, because of I've been really unwell.
बट डेफिनेटली मैं बल्ले बल्ले तो कर ही सकता हूँ, दैट्स व्हाट आई बीन सेइंग, सो दैट्स व्हाट आई बी डूइंग फॉर श्योर. सर मैं इतना काम कर रहा हूँ ना थैंक्स टू बिग बॉस 11, हमें इतने द्वार खोल दिए कि हम इतना काम कर पा रहे हैं कि मैं बिग बॉस 12 देख ही नहीं पा रहा. बट इट्स ओके, लाइक मैं थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में सुनता रहता हूँ अबाउट बिग बॉस, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे जाते तो थोड़ा सा ट्रेलर्स देखता रहता हूँ कि आज क्या हो रहा है. अनूप जी घर छोड़ के चले गए, श्रीशांत लेफ्ट द हाउस, सो ना वी कीप वॉचिंग ऑल ऑफ दैट. सो या दैट्स ऑल. आई थिंक दिस इज फैब, लाइक पीपल आर कमिंग आउट, अ फ्यू पीपल आर नॉट लाइकिंग इट ऑल्सो, कि वो उनको तब बोलना चाहिए था, आई हैव गॉट टू नो अबाउट दिस ऑल्सो, बट आई थिंक वाई नॉट फ्यू पीपल, लाइक हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं, कुछ टाइम बाद आके बोलते हैं. आई थिंक दे जस्टिस शुड विन, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो इंडस्ट्री के बारे में जितने भी डर्टी चीज़ें हो रही हैं एटलीस्ट सामने आ रही हैं. मैं ये बताना चाहता हूँ इंडस्ट्री ऐसी है नहीं, that industry aisi hai nahi basically, and people should get to know that also, so that's how it is. Thank you, right? Thank you guys, thank you so much, thank you, thank you. I think bahut masti chal raha hai upar, everyone's having a blast. Prince ke sath ek photo bhi nahi mila kyunki wo itna nach raha hai upar, I had to catch him एंड टेक अ पिक्चर विद हिम. मेरा ओरिजिनल जोड़ी जो मैंने जोड़ीदार जो मैंने बिग बॉस के घर के अंदर एंटर किया, एंड नाउ लुक एट ऑल ऑफ अस, आई थिंक वी विन द मोस्ट सक्सेसफुल सबसे सक्सेसफुल सीजन है हमारे यहां से. मेरे यहां से तीन जोड़ियों ने शादी कर ली है, सो पहले हुआ नहीं है, और नेवर बिफोर. बहुत खुश हैं इनके लिए क्योंकि हमने शुरू से इनकी शुरुआत से इनकी जो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी सफर शुरू हुआ था, हम लोग साथ ही उनके साथ थे, तो आज उनको साथ में देख के खुश देख के नाचते हुए बहुत दिल खुश हो रहा है, और वेरी हैप्पी फॉर देम एंड गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस. मेमरीज हमेशा और बॉन्ड हमेशा दिल का होता है, संबंध हमेशा दिल का होता है, और जस्ट से दैट इवन दो हम लोग ज़्यादा मिलते नहीं हैं, आई थिंक वी स्टिल आर वेरी क्लोज. मेमरीज डोंट गो, बॉन्ड्स डोंट गो. यस, एंड मैं एक्चुअली अंदर मंदना के साथ ये जोक कर रही थी कि हमारा दोनों ग्रुप्स में से प्रिंस मंदना रोशेल एंड कीत का ग्रुप अभी तक है एक साथ, सो द मोस्ट अनलाइकली कैरेक्टर्स. बट या आई थिंक जो फ्रेंड्स आप बिग बॉस के घर के अंदर बनाते हैं, जो फ्रेंडशिप्स, यू कैन नेवर लेट गो ऑफ इट, एंड आई मीन वी आर विटनेस टू दैट. जैसे आपने कहा कि आपका जो बिग बॉस था वो जोड़ियों के लिए काफी अच्छा था, लेकिन इस साल की जोड़ियां इतना अच्छा नहीं है, देखा नहीं मैंने ज़्यादा, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हम वापस आए पिछले हफ्ते, तो हमने ज़्यादा देखा. एंड आई थिंक हर साल ऐसे बोलते हैं कि टीआरपी अच्छा नहीं है, एंड देन कुछ ना कुछ हो जाएगा घर के अंदर. बिग बॉस हाउस इज लाइक दैट, ड्रामा आ जाएगा, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग दैट विल हैपन. थोड़े टाइम आई थिंक आफ्टर वन मंथ सब लोग पागल हो जाते हैं, तो फिर यू विल गेट योर ड्रामा. आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी टीआरपी प्रॉब्लम. I think it's very good, you know, I support, it's an amazing thing that women are confident now and are talking about things that they're not happy about. I think jitni baatein hongi, utni baatein sochengi, pehle to haal hoga, but after that things will eventually sort themselves out. So I'm very happy and I'm proud of all the women, I support them. Yeah, I think it's about time that people in our country started speaking about things like this. It's really good, and I know the stories that are out there, you know, we've all heard them behind closed doors. So it's amazing that women have the confidence to come out and speak about it. And I would just say that always remember, even if you might want to doubt, there's a chance that that story is real. And for that slim chance, you have to back that woman up and support her until the truth is found out. Absolutely. Thank you, guys. All right, bye, guys. See you. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एज अ फ्रेंड आई हूँ.
like a family function. और obviously बहुत ज़्यादा excitement है. आपको आवाज़ आ ही रही होगी यहीं से, ऐसा लग रहा है कि you know डांस शुरू किया जाए, मस्ती शुरू की जाए. So yeah. बॉन्डिंग, मेरी बॉन्डिंग ऑब्वियसली मेरी बॉन्डिंग तो अच्छी है युविका के साथ, वी आर फ्रेंड्स एंड या दैट्स व्हाई आई एम हियर. यस आई एम नॉट रोज तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन हाँ देखती हूँ बीच बीच में. स्टिल टू सून टू से, जाने दो के तो ही कुछ कर पाऊंगा ना जाके अंदर. वी वेरी एक्साइटेड, वी हैव बीन हियरिंग अबाउट दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली इट्स हियर. प्लानिंग बहुत देर से चल रही है, सो वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर द कपल एंड वी आर यू टू गिव देम देयर विशेस. सॉरी, हम युविका और प्रिंस के लिए बहुत खुश हैं. वी आर हियर टू गिव देम आवर विशेस एंड वी आर हियर टू हैव अ लॉट ऑफ फन बेसिकली एंड नाउ आई विल एग्जिट. बाय बाय. वी वांट टू, ओ यस, इट इज माय बर्थडे टुडे. से thank you so much, thank you so much. It is he gets a free party. I get a free party, yes. main bahut saste mein chhod gaya. Ye anusha ka look hai, mujhe itna pata ki bahut sundar lag rahi hai, bas usse zyada mujhe kuch nahi pata. I'm wearing Neeta Lulla and it's amazing. Yeah, I'm wearing something, it's not from here, it's, I got a gift. मैं तो बिल्कुल खान सर, अब चलो चलो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं. बाय बाय. पंजाबियों की शादी है, म्यूजिक इज ऑन, तो नाचना तो पड़ेगा.
wait, sir, wait. Prince, sir, wait.